हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा नोकिया फ़ोन है तो नोकिया फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट डिवाइस लिमिट है तो हॉटस्पॉट डिवाइस लिमिट को आप कैसे सेट कर सकते हैं नोकिया फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स अपने आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स अपनी आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट डिवाइस लिमिट है तो हॉटस्पॉट डिवाइस लिमिट को आप कैसे सेट करेंगे, सिंपल आपको सर्च करना है मैनेज डिवाइसेस। तो मैनेज डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे तो ये हॉटस्पॉट लिमिट सेटिंग आ जाएगी, जहाँ से हॉटस्पॉट डिवाइस लिमिट को आप सेट कर पाएंगे। आप जितने भी कनेक्शन लिमिट आप सेट करना चाहते कर सकते हैं, जैसे हम 3 करते हैं तो 3 कनेक्शन ही हमारे हॉटस्पॉट में कनेक्ट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने लिमिट को सेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप हॉटस्पॉट डिवाइस लिमिट को सेट कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग पे जाकर नोकिया फ़ोन में। और साथ में आपको ऑप्शन नहीं मिलता था फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर हॉटस्पॉट डिवाइस लिमिट को सेट कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, तो फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे। तो फ़ोन सेटिंग्स ओपन हो जाती है, जहाँ से आप हॉटस्पॉट एंड थैथरिंग पे जाएंगे तो हॉटस्पॉट थैथरिंग पे जाते हैं, यहाँ से वाईफाई हॉटस्पॉट लिमिट को सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे पास सेटिंग्स आ जाएगी और जो हॉटस्पॉट डिवाइस लिमिट है उसको आप सेट कर पाएंगे। यहाँ से 4 कर सकते हैं, जो हॉट कनेक्शन लिमिट है 4 हो जाएगी, इसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से हॉटस्पॉट डिवाइस लिमिट को सेट कर सकते हैं नोकिया फ़ोन में। तो आपको और साथ में और ऑप्शन नहीं मिलता है तो हॉटस्पॉट ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ कर सकते हैं नोकिया फ़ोन में। और जो हॉटस्पॉट डिवाइस लिमिट है उसको आप सेट कर सकते हैं नोकिया फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।